आज हम करेंगे एंजल मेटाड्रॉन की प्रेयर, ठीक है। जैसा कि हमने कल जाना था, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में एंजल थेरेपी देखें, वहाँ से आपको ये पता चलेगा कि एंजल मेटाड्रॉन कौन है और किस तरह से ये हीलिंग करते हैं। तो चलिए हम अपने प्रेयर आगे करते हैं। हमने कल जाना था कि इनके पास एक क्यूब होता है, हीलिंग क्यूब, जिससे ये हीलिंग करते हैं हमारी, ठीक है। ये वो क्यूब है जो आपको दिख रहा है सामने, ऐसा क्यूब उनके पास होता है, ठीक है। और ये क्लॉकवाइज घूमता है, कल भी हमने देखा था, और अनवांटेड एनर्जी को क्लियर कर देता है, ठीक है। अगर आपका मूड ख़राब है तो आप इनसे हेल्प मांग सकते हैं। तो इनसे प्रेयर करने के लिए इसी पे पहले ध्यान दें, पहले एंजल को प्रेयर करें, थैंक यू करें, थैंक यू एंजल मेटाड्रॉन मेरी लाइफ में आने के लिए, मेरा हाथ पकड़ने के लिए, मुझे हीलिंग देने के लिए। अब इस क्यूब पर ध्यान लगाएं आप, ठीक है, और उसके बाद हम प्रेयर करेंगे। थैंक यू एंजल मेटाफोन, मेरी सारी नेगेटिव एनर्जी आपके इस मेटाफोन से, आपके इस हीलिंग क्यूब से फिनिश करने के लिए। थैंक यू एंजल, आपके इस हीलिंग क्यूब के मेरे क्राउन चक्र से अंदर भेजकर सारे चक्रों की क्लीनिंग करने के लिए। थैंक यू एंजल मेटाफोन, मुझे आपके इस हीलिंग क्यूब का ध्यान करने की आज्ञा देने के लिए, क्योंकि आप इस पर कॉन्सेंट्रेट करके भी ध्यान लगा सकते हैं। थैंक यू एंजल, मेरी लोअर एनर्जीज़ को क्लीन करने के लिए, मेरे अंदर से सारी लोअर एनर्जीज़ को क्लीन करने के लिए। थैंक यू एंजल मेटाफोन, मेरे बच्चों को उनके स्पिरिचुअल गिफ्ट दिलाने के लिए, अपने लिए भी कर सकते हैं कि थैंक यू एंजल मेटाफोन, मुझे मेरे सभी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को दिलाने के लिए और ज़्यादा कमाने के लिए। क्या होता है ना कि हम जो पहले से लेकर आए हैं वो तो हमें मिल रही हैं, लेकिन हम अगर इस जन्म में और मेहनत करते हैं तो हमें और भी गिफ्ट देते हैं। ऐसा होता है ना कि और खुश होते हैं और हम कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेते हैं तो हमें और गिफ्ट मिलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है कि हम जितना ज़्यादा मेहनत करते हैं उतने गिफ्ट मिलते हैं हमें भगवान से। तो हम इसके लिए थैंक यू करना है कि जो हमारे स्पिरिचुअल गिफ्ट हमने अभी तक के अर्न किए हैं वो हमें मिल रहे हैं, और हमें और गिफ्ट कमाने की ताकत देने के लिए या गाइडेंस देने के लिए। थैंक यू एंजल मेटाफोन, मेरे बच्चे की सभी सपोर्टिव एरियाज मिलें उसे ऐसी मदद करने के लिए, मेरे बच्चे की सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, उसे नींद की प्रॉब्लम ख़त्म करने के लिए, उसे अच्छे से नींद आती है उसके लिए धन्यवाद। अगर आप अपने लिए या किसी और के लिए प्रेगनेंसी चाहते हैं, किसी को बेबी नहीं हो रहा, तो उसके लिए भी कर सकते हैं प्रेयर कि थैंक यू एंजल मेटाफोन, इस घर में इनकी गोद में बच्चा खिलाने के लिए, इनके सभी कर्मों को दूर करने के लिए। क्योंकि अगर एक घर में बेबी नहीं आ रहा है तो उसके बहुत सारे कार्मिक होते हैं, हस्बैंड वाइफ का भी होता है, दादा दादी का भी होता है बच्चे के लिए, वो पूरे फैमिली मेंबर का, क्योंकि एक बेबी के आने से पूरी फैमिली पे इफेक्ट पड़ता है ना। तो कुछ भगवान इस तरह का ही सेटिंग करके भेजता है कि एक का कर्म दूसरे के साथ बंधता है, ठीक है। तो अब मैं एक बार एक पूरी रिपीट कर रही हूँ। इस मेटाफोन को ध्यान में रखना है, ये मेटाफोन जी की इस हीलिंग क्यूब को ध्यान में रखते हुए आपको प्रेयर करनी है। थैंक यू एंजल मेटाफोन, आपके इस क्यूब से मेरी हीलिंग करने के लिए। थैंक यू एंजल मेटाफोन, आपके इस हीलिंग क्यूब से मेरे चक्रों की हीलिंग करने के लिए, चक्रों को क्लीन करने के लिए। आप का कुछ भी चल रहा है उसको भी जोड़ सकते हैं। थैंक यू एंजल मेटाफोन, आपके इस हीलिंग क्यूब से मेरे मूड को ठीक करने के लिए, आपके इस हीलिंग क्यूब से मुझे नींद दिलाने के लिए, ठीक है, कुछ भी जो भी आप चाहते हैं। थैंक यू एंजल मेटाफोन, मेरी लोअर एनर्जीज को क्लीन करने के लिए। थैंक यू एंजल मेटाफोन, मेरे बच्चों को स्पिरिचुअल गिफ्ट दिलाने के लिए। थैंक यू एंजल मेटाफोन, मुझे मेरे स्पिरिचुअल गिफ्ट दिलाने के लिए। थैंक यू एंजल मेटाफोन, मुझे और भी स्पिरिचुअल गिफ्ट अर्न करने में मदद करने के लिए। थैंक यू एंजल मेटाफोन, मेरे बच्चों को सपोर्टिव प्लेस दिलाने के लिए, सपोर्टिव एटमॉस्फेयर दिलाने के लिए।
थैंक यू एंजल मेटाफोन मेरे बच्चों को सही समय पर नींद दिलाने के लिए। थैंक यू एंजल मेटाफोन मेरे घर में इस मेंबर की गोद में बच्चा खिलाने के लिए, प्रेगनेंसी देने के लिए, कंसीव करने के लिए, जो भी वर्डिंग आप लेना चाहते हैं। थैंक यू। ये एंजल मेटाफोन की प्रेयर है। बाकी हम कुछ भी मांग सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ जो हमने फिक्स कर लिया कि ये देते हैं तो ये यही देंगे। अब आज हमारे ये 15 आर्क एंजल्स कम्प्लीट हो गए हैं, ठीक है। आप इनकी टेबल बना सकते हैं और उसके बाद आप अच्छे से किसी भी काम में समझ सकते हैं कि मैं अब एक वीक और दूंगी प्रेयर नहीं, मेडिटेशन डे वाइज। हाँ,